Hey guys, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. I'm Kashmira and I'm here with brand new episode of Bottle Art. In today's video, we are going to make something very different. तो सबसे पहले हमें एक बॉटल लेनी है, ग्लास बॉटल. ऐसे टाइप की बॉटल के लिए आपको ट्रांसपेरेंट बॉटल ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम उसमें लाइट्स डालेंगे तो लाइट अच्छे से रिफ्लेक्ट होना चाहिए. उसके ऊपर मैंने वाइट एक्रेलिक कलर दिया हुआ है. ये दो कोट्स के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है. और मैंने पेंट करने के लिए स्पंज यूज़ किया है. तो अगर आप स्पंज यूज़ करते हो तो जो लाइट्स रिफ्लेक्ट होती है उसमें स्ट्रोक्स नहीं दिखते, इसलिए मैंने स्पंज किया है. अदरवाइज आप ब्रश भी कर सकते हो अगर आप लाइट्स नहीं डालने वाले हो तो. बट ये कुछ ऐसा दिख रहा है दो कोट्स के बाद. अब इसके ऊपर ये वाली जो इमेज है वो हमें पेंट करनी है, ठीक है. तो पेंट करने में हमें पहले तो बॉटल पे ये इमेज ट्रेस कर लेनी पड़ेगी. एक तो हम आउटलाइन बना सकते हैं बॉटल पे और फिर अंदर ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर हम पूरी जो इमेज है वो ट्रेस कर सकते हैं. तो हम ये वाली जो इमेज है वो पहले बॉटल पे ट्रेस कर लेंगे. तो ट्रेस करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है. मेरे चैनल पे एक वीडियो ऑलरेडी है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप बॉटल पे कोई भी इमेज कैसे ट्रेस कर सकते हो. तो ये वाला जो वीडियो है वो आप देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस आई बटन में दे दूँगी. इसके बाद जो इमेज बनी हुई है, जो ट्रेस की हुई इमेज है, उसको हम ये फाइन लाइनर्स यूज़ करके आउटलाइन बना लेंगे. तो ये वाला जो सेट है वो इसमें आपको 6 फाइन लाइनर्स मिल जाएंगे अलग अलग साइज़ के. तो इसमें से जो भी पर्टिकुलर साइज़ आपको अच्छी लगती है आपके इमेज के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो. तो मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ, ये है 005. ये फाइन लाइनर्स आप एक्रेलिक कलर्स पे, चॉक पेंट्स पे या मल्टी सरफेस पेंट पे भी यूज़ कर सकते हो. पेपर्स पे भी ये बहुत अच्छे रहते हैं. थोड़े कॉस्टली होते हैं बट उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है. आप देख सकते हो कितनी अच्छे से फाइन लाइन बन गई है. ऐसे ही हम पूरा इमेज जो है वो बॉटल पे ड्रॉ कर लेंगे. तो ये हो गई है हमारी ये जो इमेज है पूरी फाइन लाइनर से. इसके बाद हम ये जो पेंसिल के मार्क्स है थोड़े थोड़े दिख रहे हैं वो उसको हम रिमूव कर देंगे. उसके लिए नॉर्मल इरेजर यूज़ कर सकते हो आप, लाइटली यूज़ करना, नहीं तो जब आप रब करोगे तब उसके साथ कलर ना निकल आए. इसलिए एकदम हल्के हाथ से रब कर लेना और जो भी मार्किंग है वो निकाल देना. उसके बाद सबसे पहले हम अगर कुछ करेंगे तो वो है स्किन कलर. हम जहाँ जहाँ पे है वहाँ वहाँ पे स्किन कलर ऐड कर देंगे. मैं बहुत ही छोटा ब्रश यूज़ कर रही हूँ, 000 वाला ब्रश यूज़ कर रही हूँ. पूरी जो इमेज है उसमें जो फेस का पार्ट है प्लस हाथों का पोर्शन है या फिर जो लहंगा है उसमें जो डिज़ाइन है वो वाला पोर्शन है, वो काफ़ी इंट्रिकेट वर्क करना पड़ेगा वहाँ पे. तो उसके लिए आपको ऐसे ही अच्छे क्वालिटी के और बहुत ही स्मॉल साइज़ के ब्रशेस आपको यूज़ करने पड़ेंगे इस पूरे वर्क के लिए. तो ये स्किन कलर होने के बाद मैं ब्लैक कलर पहले अप्लाई कर रही हूँ. बेसिकली मैंने क्या किया है कि हम ऊपर के साइड से नीचे नीचे जाएंगे, बिकॉज़ कभी कभी क्या होता है हम नीचे के पोर्शन में कहीं पे कलर दे देते हैं और वही कलर हमारे हाथ पे लग जाता है और उससे बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी जो इमेज है वो ख़राब हो सकती है या फिर जो भी डिज़ाइन है वो ख़राब हो सकती है. इसलिए हम पहले ऊपर का पोर्शन करेंगे और फिर धीरे 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 हम नीचे के डिटेलिंग पे फोकस करेंगे. तो इसको पूरा कलरिंग करने में, डिटेलिंग करने में मेरा काफ़ी टाइम गया, ऑलमोस्ट 4.5 आवर्स लगे मुझे ये पूरा करने में. तो इसमें इतना बड़ा शूट करना पॉसिबल नहीं था,
इसलिए मैं इतना शूट नहीं कर पाई, बट जो मैं नहीं कर पाई शूट वो मैं आपको ओरली बता दूंगी। और उसमें कुछ ज़्यादा हार्ड पार्ट नहीं था, जो हार्ड पार्ट था वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। इसके बाद ये जो कलरिंग और वो सब है, वो जो इमेज थी उससे मैंने थोड़ा थोड़ा कलर शेड जो था वो मैच करने की कोशिश की, और फिर उसके ऊपर ये जो लहंगा है उसके ऊपर थोड़ा फ्लोरल डिज़ाइन था, तो उसमें मैंने बेसिक जो हम नॉर्मल स्ट्रोक से फ्लावर्स बनाते वैसा बनाया, और कलर्स डिफरेंट यूज़ किए ताकि वो एक लेयर ना लगे, अलग अलग लेयर्स में वो पेंट किया ऐसा लगे। जैसे डिटेलिंग पे आप अगर ज़्यादा फोकस करोगे ऐसे इमेजेस में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है। जैसे कि ज्वेलरी है, ज्वेलरी में मैंने थोड़ा इंट्रिकेट वर्क पे फोकस किया है। फाइन लाइनर्स का यूज़ करो, प्लस छोटे छोटे बहुत अच्छे क्वालिटी के ब्रशेस यूज़ करो, और ये नॉर्मल पेंटिंग जैसे हम करते हैं वैसे ही आप इसको कर सकते हो। और जब भी आप ह्यूमन फिगर्स बना रहे हो तो आँखों पे और फेस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो। इसके ऊपर मैंने ये लेस लगा दी है, और फिर जब ये पूरा ड्राई हो गया उसके बाद मैंने वार्निश अप्लाई किया है। मैंने लिटिल बर्डी का ग्लॉस फिनिश का जो वार्निश है वो यूज़ किया है इसके लिए, और फिर हमने इसमें लाइट्स डाल दिए। तो ये पूरी बॉटल बनाने के लिए मुझे ऑलमोस्ट 6 to 8 आवर्स के आसपास टाइम लगा पूरी बॉटल के लिए। सी, कोई भी इमेज अगर आप कैनवस पे बनाते हो तो आपको अलग एफर्ट्स लगते हैं, और जब आप किसी बॉटल पे बनाते हो तो अलग एफर्ट्स लगते हैं, और जब आप लाइट्स डालने वाले होते हैं उसमें तब और भी ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, क्योंकि जब हम लाइट्स ऑन करते हैं तब आपके जितने भी मिस्टेक्स हुई रहेंगी उसमें वो सारी दिख के आती है। इसलिए अगर आप ऐसा कुछ करने वाले हो तो पहले किसी और चीज़ पे प्रैक्टिस करो और फिर बॉटल पे करना। आपको ये बॉटल कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का बताओ। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर नाउ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। सो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।